मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ए लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे बच्चों हम अपने एग्जाम सीरीज खत्म कर चुके हैं जिसमें आपने पूरे अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट्स को हमसे पढ़ा, जिसमें आपने ये सब जाना कि हमें पेपर की तैयारी कैसी करनी है, कैसे कैसे नंबर लाने हैं, कौन कौन से अध्याय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जाना। तो इसी के लिए जो अब मैथमेटिक्स है जो आप लोगों को सबसे हार्ड लगता है, तो उसके लिए आज हम आए हैं गौरव वर्मा सर से मिलने के लिए। गौरव वर्मा सर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स है जो आरएम स्कूल में सेजस में भी वर्तमान में पढ़ाते हैं। तो आज मैथमेटिक्स से संबंधित या आपकी परीक्षा संबंधित जो भी क्वेरीज होती हैं या आपको परीक्षा से डर लगता है कि पेपर कैसे लिखा जाना चाहिए, पेपर में मार्क्स कैसे अच्छे मिलते हैं, ये सब चीज़ों की जो भी आपकी रहती है मन में पेपर के पहले, वो सब चीज़ों को आज हम गौरव सर से समझेंगे। तो इतने कम समय बचे हैं और बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। वैसे तो परीक्षा की तैयारी एक दिन में और एक हफ्ते में नहीं होती है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेटजी बना करके चली जाए तो कम समय में ज़्यादा चैप्टर्स को कवर किया जा सकता है और अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। पहली बात यह कि अगर आपने साल भर मेहनत किया है और पूरे चैप्टर्स के हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन को कम्प्लीट सॉल्व किया है, तब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को टाइप्स में सेग्रीगेट कर पाएंगे कि ये टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है। और एक चैप्टर में 12 से 15 टाइप से ज़्यादा अलग से क्वेश्चन हो नहीं सकते। और क्वेश्चन का फ्लो इसी तरीके से दिया जाता है कि पहले एलिमेंट्री चीज़ें दी जाती है, फिर धीरे 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 स्टेप अप किया जाता है और लास्ट में आप देखते हैं कि विविध प्रश्नावली या फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज, इस नाम से एक एक्सरसाइज होता है जिसमें पूरे अध्याय में पूरे चैप्टर में हमने जितना कंसेप्ट पढ़ा है उन सबको ले करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात ये कि आप चैप्टर को सेग्रीगेट करें, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। एग्जाम टाइम में एक एक टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन बना करके चलना है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आप उसको मार्कअप करके रख पाए तो एग्जाम टाइम में वो सॉल्व कीजिए, तो सरल प्रश्न ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप टाइम को कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, तो ये आपके स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। पहले पासिंग मार्क्स प्रायोरिटी है, अच्छे मार्क्स लाना प्रायोरिटी है, या फिर क्या प्रायोरिटी है। तो इन जनरल वे पे यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इन टर्म्स में कि हर एक 3-4 चैप्टर्स को मिलाकर के यूनिट बना होता है और आप यूनिट से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि अंकों का विभाजन कैसे कैसे किया गया है और उन अलग अलग चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर आपसे बनते हैं, कौन कौन से नहीं बनते, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है। लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरे चैप्टर को हम दो तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं, एक लिंक्ड चैप्टर और एक अनलिंक्ड चैप्टर। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पहले चैप्टर को पढ़े बिना आप दूसरे चैप्टर में नहीं जा सकते क्योंकि पहले चैप्टर की समझ नहीं होगी तो दूसरे चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेट थ्योरी नहीं आता तो आपसे रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं आता तो आपसे फंक्शन नहीं बनेगा, और जब फंक्शन नहीं आता तो फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जो लिंक्ड चैप्टर है उसको आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ने की आवश्यकता है, और जो ऐसे चैप्टर हैं जो कि टोटली अनलिंक्ड हैं, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था इस पर्टिकुलर क्लास में उससे रिलेटेड कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसको पढ़े बिना आप उस पर स्विच नहीं कर सकते, तो ऐसे चैप्टर को आप बीच बीच में एज अ फिलर यूज कर सकते हैं। और आपके पास हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद या फिर चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद या पहले एक फार्मूला सीट होना चाहिए, फिर कंसेप्ट मैप होना चाहिए जिसे माइंड मैप भी कहते हैं, कि अगर आप माइंड मैप को देखते हैं तो एट अ ग्लांस आपको ये पता चल जाता है कि उस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हैं और किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे। तो इस तरीके से आप कम समय में इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद ये सवाल आता है कि पिछले 5 या 6 सालों के प्रश्न पत्र को हम हल करें क्या। अभी अगर आपके पास समय है, करना चाहते हैं तो करिए, अच्छी बात है। अदरवाइज आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रश्न पत्र में क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आता है। वैसे तो ब्लूप्रिंट सब कुछ बता देता है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, ऐसा भी आ सकता है, आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले होता है, 5 MCQ क्वेश्चन होता है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होता है और 5 ट्रू फॉल्स भी आता है, और कभी कभी मैच द फॉलोइंग, सही संबंध बनाओ, इस तरीके के भी प्रश्न आता है। फिर 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, 5 और 6 नंबर के भी प्रश्न होते हैं। 4 और 4 से अधिक नंबर के प्रश्न सभी सेट्स में, ए बी सी तीनों सेट में बराबर होता है, लेकिन उससे पहले जितने भी प्रश्न होते हैं उसका टाइप सेम होता है। अगर एक चैप्टर से पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन आया हुआ 10th के प्रश्न पत्र में तो सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर भी होगा, बस उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंजेस होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई सेट ए टर्म कम्प्लीटली अलग है, सेट बी कम्प्लीटली अलग है, सेट सी कम्प्लीटली अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, बहुपद का गुणनखंड करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो पहले सेट में, दूसरे सेट में और तीसरे सेट में भी ये सेम प्रश्न होगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरीके से आप प्रश्न पत्र को देख करके एक ट्रेंड समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और समय हो तो सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। हाँ, उस टाइप के प्रश्न जरूर देखिए जिसको देख करके आपको लगता है कि इसमें हमें ज़्यादा समय लग सकता है, ये चीज़ें नहीं बनती है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे बच्चों को रहता है कि मार्किंग कैसी होती है, कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये डरते हैं कि हमने लिख तो दिया है लेकिन सामने वाला किस आधार पर हमें ज़्यादा नंबर देता है, या किसी को किसी की कॉपी सेम कॉपी चीज आंसर्स पे किसी को अच्छे नंबर मिलते हैं किसी को कम, तो वो आधार क्या हो सकता है, या बच्चे उस चीज़ को कैसा ध्यान में रखें? तो पहली बात यह कि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो हमेशा चाहता है कि बच्चा अच्छा से अच्छा लिखे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, तो ये कह पाना गलत है या ये कहना गलत होगा कि सेम टू सेम चीज़ों के लिए एक को अलग मार्क्स मिलते हैं दूसरे को अलग मार्क्स मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो लिखा है, जो पूछा गया है, आप सुस्पष्ट शब्दों में लिखिए जो पूछा गया, जितना पूछा गया है। अगर दो नंबर का प्रश्न है तो दो तीन पैराग्राफ लिखने से आपको दो ही नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, जिस तरीके से पूछा गया, प्रश्न की प्रकृति जो है उसी को ध्यान में रख करके हमें आंसर लिखना है, क्लियर कट लिखना है। दूसरी बात यह कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हम सब ऐसा बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, तो वहाँ पर यह करना चाहिए कि एक प्रॉपर फ्लो को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर रहा हूँ 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं वहाँ पर नहीं सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जब पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको मैं सॉल्व करूँगा। अगर ऐसे बीच में आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं पेपर चेक करने वाले को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल ना करिए, ये आपके इंप्रेशन को टोटली तरीके से खराब करेगा। तो जो प्रश्न आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं आप पूरा उनको एक सीक्वेंस पे बनाइए, जो छूट गया उसको लास्ट में उसी सीक्वेंस में कवर कर दीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो मार्क्स भी उनको फील करने होते हैं कि पहले नंबर के क्वेश्चन में कितना नंबर आया, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कितना नंबर आया। तो अगर आप रैंडम करेंगे तो वो पेपर का जो पेपर चेक करने वाला का जो दिमाग है ना उसको डिस्टर्ब करता है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 14 किया, फिर थर्ड किया, फिर 6 किया। तो ऐसा रैंडम बिल्कुल ना करें, एक फ्लो को फॉलो करें, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको टेम्पररी स्कीप करें, लास्ट में जब आपके पास समय बचता है तो उसको सॉल्व करें। सर, पेपर में स्टेप मार्किंग, जैसे बच्चे बोलते हैं कि स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, या वो स्टेप्स को ना करके आंसर लास्ट में आंसर कहीं से भी ले आते हैं, कई बच्चे इस ट्रिक को अपनाते हैं, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि स्टेप मार्किंग तो होती है अगर आपने कंसेप्ट सही यूज किया, सही फार्मूला यूज किया है, और लास्ट में जाकर के आपके मैनिपुलेशन में कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो स्टेप्स के आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लास्ट के आधे नंबर कट सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रश्न कुछ और पूछा है, आपने फार्मूला कुछ और लगाया, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया और आपने कुछ और तीसरा आंसर लेकर आए, आप बोलेंगे इसमें स्टेप मार्किंग हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो पूछा गया है, जिस चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया उस फार्मूले को आप यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटिव मिस्टेक है, तो वहाँ पर आपको पूरे पूरे स्टेप मार्किंग मिलेगी, और लास्ट में जो आंसर नहीं है उसके लिए थोड़े से मार्क्स कट होंगे, ऐसा कंप्लीटली डिडक्शन नहीं होगा। सर, ऐसा होता है वो 3 घंटे में बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर देखते ही हड़बड़ाहट हो जाती है, कई बच्चे एनालिसिस नहीं कर पाते हैं अपने आप को ही, तो पेपर से पहले और पेपर के दौरान बच्चों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो ये कि आप पूरा प्रश्न पत्र तभी देखिए जब मैं आप में हिम्मत है कि अगर ये देख पाए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, या 8-10 ऐसे क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बन रहा है, उसके बाद भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। इन जनरल वे पे पेपर जब दिया जाता है तो आप पेपर को पलट के देखिए कि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, फिर एक आध पेपर ब्लैंक तो नहीं रह गया, वैसे ऐसे रेयर चांसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हो गया तो इन केस में आपको क्वेश्चन पेपर बदल करके दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन को मत पढ़िए अगर ऐसा है तो। हाँ, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, अच्छी स्टडी करी है, दबाव आप पर नहीं हावी होता है, तो आप पूरा प्रश्न पत्र पढ़िए और उसके हिसाब से आप बनाना शुरू कीजिए, ये हो सकता है। एटलीस्ट 5-10 मिनट पेपर को देखिए, तुरंत पेपर मिलते ही लिखना शुरू मत कर दीजिए। नहीं, अभी तो ऐसा है कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, हमको अलग से पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जाता था, अभी बोर्ड पेपर में आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है आपके जो डिटेल्स उसको फिल करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, उसके बाद 15 मिनट बाद में आपका एक्चुअल टाइम शुरू होता है जिसमें आपको टोटल 3 घंटे लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें दौरान बच्चे पहले एक बार पेपर को पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर आप प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते और आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, तो पूरा प्रश्न पत्र ना पढ़ें,
एक साइड का आपका प्रश्न पत्र है उसको पढ़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर अगले पेज में जाएं, फिर अगले इसी फ्लो में आप सॉल्व करते जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, इन सब में निकल करके एक चीज़ सामने आती है, वो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अरे अगर एक अच्छा प्रश्न पत्र हल करने वाला विद्यार्थी है तो उसके पास आधे घंटे शुद्ध रूप से बचते हैं। अब ये कैसे, तो हमें पहले घंटे में ये कोशिश करनी चाहिए कि एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर के यथासंभव प्रश्न को सरल कर लेना है। उसके बाद अगले घंटे में तीन, चार और पाँच नंबर के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेने हैं। लास्ट के आधे घंटे में छः नंबर के एक या दो क्वेश्चन होंगे हार्डली, उसको आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद टोटली आधे घंटे आपके पास बचता है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको प्रूफ रीडिंग करने की आवश्यकता है। एक बार आप प्रूफ रीडिंग कर लीजिए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो जब प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन को पेंसिल से टिक कीजिए कि मैंने वन को सॉल्व कर लिया, टू को मैंने सॉल्व कर लिया, थ्री को मैंने सॉल्व कर लिया। जब पूरा प्रश्न पत्र हल हो चुका है तो एक बार आप आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को मैच करके देखिए कि आपने वन को सॉल्व किया, उसको क्रॉस करिए, टू को किया क्रॉस करिए। तो इस तरीके से आप इस गलती से बच जाएंगे कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है, इवन उत्तर क्रमांक जो आप लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक बार होता है कि प्रश्न उत्तर क्रमांक दो लिख रहे हैं उसके जगह तीन या चार लिख दिए, ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये भी आवश्यक है कि जो जिस प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं उसका नंबर प्रॉपर वे पे नंबरिंग किया जाना चाहिए। एक बात और है कि जैसे कि मैं एक पेज में सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट में मेरे दो तीन लाइन बचे हुए हैं, तो वो दो तीन लाइन को मैं छोड़ दूँ, अगले पेज से मैं मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ये एक तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन हो सकता है चीज़ों को लेकर के। और अगर आपने एक प्रश्न को हल कर लिया है तो एक डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि एक सेपरेशन दिख जाए कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, इसके बाद एरिया कंप्लीट है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, ताकि चेकर को भी है उनको भी समझ आए कि आपने एक सेक्शन खत्म किया फिर दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। और उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है कि जब एक क्वेश्चन से आप दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं तो उसको आप डिफर करके चल रहे, ऐसा ना हो कि आपने पहला क्वेश्चन खत्म किया और जस्ट दूसरा क्वेश्चन वहीं से शुरू कर दिया, थोड़े से गैप के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। तो सर भी कम समय बहुत कम है और बच्चों को इतनी सारी तैयारी करनी है, वो भी बोर्ड एग्जाम ऐसा है कि आफ्टर कोविड बच्चे एक दौर से आके दूसरे दौर में, ये हो सकता है बच्चे इस प्रेशर में कि अभी भी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो अभी, तो लास्ट में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बस ये कि जो होना है उसको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि आपने जो साल भर मेहनत किया तो उसके आपको उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। और अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो भी टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं, और अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तो भी टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेंशन से कुछ सॉल्व होना नहीं है, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटर्जी ये होनी चाहिए कि क्या अच्छा करें जिससे गलती से बच सके, अच्छा से अच्छे अंक लाने के लिए क्या परफॉर्मेंस, अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटर्जी हो सकती है वो यूज़ करें। और लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो एक तरीके का दबाव ही क्रिएट करता है। और अच्छा है कि जितना आपने पढ़ा है एक बार रिविजन कर लें, वो आपको ज़्यादा अच्छे अंक देकर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। गौरव सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि बोर्ड ने सर्व परीक्षा के लिए क्या नई तैयारियाँ की है? जो प्रश्न पत्र जैसे बनते हैं वो तो बनता ही बनता है, लेकिन इस साल बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया, वो स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके इमीडिएट आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि कुछ अलग तरीके के दिमाग में अगर ख्याल आ रहे हैं तो उसके लिए भी स्टेट बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें आप कांटेक्ट करके बातचीत करके अपने दबाव को कम कर सकते हैं या फिर अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी जानकारी गौरव सर से ली है और आपको अपने पेपर के लिए बहुत थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी आया होगा। तो आपको लगता है कि किसी भी तरीके से हमसे और जुड़ना है या आपके एग्जाम में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अभिषेक के साथ इसी तरह बने रहे, हम आपको एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष देते हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।